हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बिफोर स्टार्टिंग टुडे वीडियो, मैं अपने सभी व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। बिकॉज जैसा मैं आपको प्रॉमिस कर चुकी हूँ कि मैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ अपनी वीडियोस को अपलोड करूँगी, सो मैं उस प्रॉमिस को फुलफ़िल कर रही हूँ। सो उस प्रॉमिस को आप सभी को भी सपोर्ट करना है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ HTML के कुछ कोटेशंस एंड साइटिंग जो हम अपने वेब पेज को इन्हांस करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं। डेट इज़, अगर हमें टेक्स्ट को कोई पर्टिकुलर एड्रेस डिफाइन कराना है, पर्टिकुलर वे में डिफाइन कराना, इट्स लाइक अ स्टाइलिंग, बट इसमें हम कुछ कोटेशंस डिफरेंट टेक्स्ट के साथ प्रोवाइड कराएंगे। सो हैव अ लुक एट दिस। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे हेडिंग प्रोवाइड की है HTML कोटेशंस, एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं HTML साइटिंग। साइटिंग में यहाँ पे एक्चुअली इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज अगर हम साइटिंग के बारे में डिस्कस करें तो साइटिंग एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफाइन करा सकते हैं, एंड वो साइटिंग जब हम पर्टिकुलर उसमें डिफाइन कराएंगे किसी भी पैरा के अंदर, तो वो वर्क कैसे करेगा? वर्क करेगा एज एन टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रॉम लाइन नंबर 1, 2, 3 एंड लास्ट लाइन ऑफ दिस कोट, यहाँ पे मैंने आपसे हर एक कोट के अंदर, जितने भी अभी तक मेरी HTML की वीडियोस अपलोड हुई हैं, आपने इसमें देखा होगा कि यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली आपसे कह रही हूँ हर एक वीडियो में 3 बेसिक सिंटैक्स, और हम कह सकते हैं ओपनिंग जो हम HTML की करेंगे, हम यूजिंग दिस 3 टैग्स करेंगे, एंड ये जो डॉक टाइप विद एक्सक्लेमेशन साइन और उसके बाद HTML, ये HTML5 के अंदर यूज़ होता है। रिमेंबर दिस लाइन जो मैं आपसे बार बार हर एक वीडियो में कह रही हूँ। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम बात कर रहे हैं क्या कि हम कैसे यूज़ कराते हैं अपने HTML के कोटेशंस। HTML के कोटेशंस प्रोवाइड कराने के लिए नॉर्मली हमें डिफरेंट टैग्स और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स का यूज़ कराना होता है। सबसे फर्स्ट अगर टैग की मैं बात कर रही हूँ तो वो है हमारा ब्लॉक क्यूट। ब्लॉक क्यूट का मीन्स आप इसके नेम से ही समझ रहे हैं, अगर हम कोई भी पर्टिकुलर कोटेशंस प्रोवाइड कराते हैं, सो सिंपल वे में हम उन्हें कहते हैं, हम उन्हें डिफाइन किस में कराते हैं कोटेशंस को? डबल कोट्स के अंदर, इजंट इट? अब जब हम यहाँ पे बात साइटिंग की कर रहे हैं, साइटिंग मींस वो पर्टिकुलर वेबसाइट जो हमें लिंक करानी है अपने पर्टिकुलर वेब पेज पर, उसकी जगह हम साइटिंग करा रहे हैं, एंड उसकी साइटिंग के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट चाहिए होता है या पर्टिकुलर वेबसाइट हम प्रोवाइड कराएंगे, सो वो पर्टिकुलर वेबसाइट प्रोवाइड कराने के लिए हम यहाँ पे टैग का यूज़ करेंगे ब्लॉक कोट। ब्लॉक क्यूट का यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे उसको एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट देंगे, एंड ये जो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है साइट, इसका मीन्स यहाँ पे ये है, ये पैराग्राफ के एज एन टाइटल वर्क करेगा, टाइटल ऑफ दैट पर्टिकुलर पैरा, और हम कह सकते हैं टाइटल ऑफ द पर्टिकुलर ब्लॉक कोट जो हमने प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं इसी ब्लॉक कोट के अंदर जो हमने साइटिंग के अंदर प्रोवाइड किया है वो है हमारा टाइटल, एंड इनसाइड दिस ब्लॉक कोट हमने यहाँ पे पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है, दिस लाइन, फ्रॉम लाइन नंबर 450 ईयर्स टू अप टू ग्लोबली, ये हमने ब्लॉक कोट के अंदर प्रोवाइड किया है। दैट इज़, जो हमारा टाइटल है वो कंटेन इस वेब पेज को कर रहा है, बट ब्लॉक कोट वो कंटेन करेगा पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट एट्रीब्यूट, दैट इज़ साइट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं अपने अनदर एट्रीब्यूट की। मैं यहाँ पे अभी आपको इस पूरे कोड को रन भी करके दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। मैं आपको हर एक की पॉइंट समझाती हूँ हर एक पर्टिकुलर टैग का, ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो एंड यू विल एबल टू मेक अ सक्सेसफुल वेब पेज। नेक्स्ट ईयर, अब आप देख सकते हैं एब्रिएशन, ABR का यूज़ अगर हम कर रहे हैं, दैट इज़ एब्रिएशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं किसको? अपने पैरा की हेडिंग को।
पैरा की हेडिंग को हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एब्रिएशन को हम कहते हैं एज अ शॉर्ट फॉर्म। अगर हम बात कर रहे हैं क्या अपने WHO की, WHO हमारी एक शॉर्ट फॉर्म होती है किसके लिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड उस पर्टिकुलर एब्रिएशन को कंटेन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना ABR। सिंस देखिए हर एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर कोई ना कोई रीज़न होता है कि हम क्यों यूज़ करते हैं, सो दैट्स वाई इस मार्कअप लैंग्वेज के अंदर भी कुछ ना कुछ रीज़न है कि आप क्यों यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर टैग को। सो ABR का यूज़ हम एब्रिएशन और शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए करते हैं। नेक्स्ट ईयर इज़ इनसाइड, हमने टाइटल प्रोवाइड किया है, तो टाइटल हमारा वो एट्रीब्यूट है जो कंटेन कर रहा है इनसाइड ABR टैग। एंड ABR यहाँ पे क्या है, ABR इज़ टैग एंड टाइटल हमारा पर्टिकुलर एट्रीब्यूट है किसके लिए, ABR के लिए, जो हमारा वर्क करेगा एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव वर्क करेगा। नेक्स्ट ईयर अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमें अपने पैराग्राफ के अंदर, वेब पेज के अंदर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं किसी का हिस्ट्री, हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, या हम किसी का प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, उस प्रोफाइल के अंदर अगर हमें किसी का पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड कराना है, सो वो पर्टिकुलर एड्रेस हम प्रोवाइड कराएंगे यूजिंग दिस टैग। एंड इस टैग का क्या नेम है, एड्रेस, एड्रेस टैग को यूज़ कराएंगे। रिमेंबर वन थिंग, अब आप सोच रहे होंगे हमने एड्रेस को फुल्ली लिखा है, ब्लॉक कोड को फुल्ली लिखा है ABR एब्रिविएशन के लिए, क्यों लिखा है एब्रिविएशन के लिए, इसीलिए लिखा है बिकॉज एब्रिविएशन अपने आप में एक शॉर्ट फॉर्म कंटेन करता है। सो आप इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हैं बाकी टैग हमारे डिफरेंट क्यों हैं देन ABR। नेक्स्ट ईयर हमने इसके अंदर ब्रेक करके अपना पर्टिकुलर एड्रेस प्रोवाइड किया है जो नॉर्मल होता है किसी भी हाउस का। सो अगर एड्रेस की कंटेनिंग करानी है सो हम टैग का यूज़ कराएंगे अपने, क्या, एड्रेस टैग। एंड हमेशा याद रखिए टैग जितने भी मैंने अभी तक आपसे डिस्कस करें सभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग है सिर्फ BR को छोड़ के। आगे मैं डिफरेंट और टैग्स आपको प्रोवाइड कराऊंगी एक्सेप्ट BR जो विदाउट एंडिंग टैग यूज़ होते हैं। नेक्स्ट ईयर इस साइट का भी हमने एग्जांपल देखा यूजिंग एट एट्रीब्यूट, बट हम साइज को एज एन टैग भी यूज़ करा सकते हैं फॉर द कोटेशन, बिकॉज हम साइटिंग एक पर्टिकुलर लोकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं अपने वेब पेज को। लाइक अगर हम बात करते हैं क्या कि जब हम अपना यूज़ करते हैं AHREF टैग, उसके अंदर हम पर्टिकुलर लिंक प्रोवाइड कराते हैं जो हमें डिफरेंट वेब पेज पे लेके जाता है, बट अगर हम यही काम एक पर्टिकुलर वेब पेज के अंदर कर रहे हैं वो कंटेन करे किसी और चीज़ की इंफॉर्मेशन अपने अंदर, दैट इज़ सोर्स दूसरे का हो और इनपुट हम पहले का दे रहे हैं, सो हम यूज़ क्या करते हैं अपना ब्लॉक कोड को, दैट्स वाई हमें यूज़ करते हैं यहाँ पे ब्लॉक कोड। नेक्स्ट ईयर इज़ BDO के अंदर हमने डायरेक्टरी प्रोवाइड की है RH। RH का यहाँ पे मीन्स क्या है, लेट सी दिस, RH का यहाँ पे मीन्स है राइट, RT है राइट टू लेफ्ट, दिस इज RTL डायरेक्टरी। ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है हमारे BDO के लिए एंड ये BDO क्या कंटेन कर रहा है, BDO कंटेन कर रहा है हमारी स्टाइलिंग ऑफ टेक्स्ट। एंड ये जो स्टाइलिंग ऑफ टेक्स्ट है वो किस तरीके से कंटेन करेगा कि आपको जो आपका पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो कैसा शो कराना है, उसका पर्टिकुलर टेक्स्ट की जो राइटिंग होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इधर फ्रॉम, अगर हम बात करते हैं किसकी, उर्दू लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो हम कहाँ से लिखते हैं, फ्रॉम आर राइट से चलते हैं एंड देन हम अपने लेफ्ट तक आते हैं, बट अगर हम नॉर्मली हिंदी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमें अपने टेक्स्ट की प्रोवाइड क्या कराना है, टेक्स्ट का फॉर्मेट प्रोवाइड कराना है, अगर हम सिंपल वर्ड में कहें फॉर्मेटिंग अगर हम करा रहे हैं, सो हम यूज़ करेंगे अपने BDO टैग का इनसाइड डायरेक्ट एट्रीब्यूट।
DIR को आप एक एट्रीब्यूट कह सकते हैं. DIR वो पर्टिकुलर डायरेक्टरी है जो कंटेन करती है हमारे प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट, और हम कह सकते हैं ओरिएंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टेक्स्ट या पोजीशन. सो ये था हमारा आज का HTML कोटेशन. लेट्स हैव अ लुक हियर. यहाँ पे मैंने आपको एक पर्टिकुलर कोड प्रोवाइड किया है. ये वही सिमिलर कोड है जो मैंने आपको अभी प्रोवाइड किया एंड डिस्कस किया आपके साथ. सो हैव अ लुक हियर एट द आउटपुट. सो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं. मैं आपको इसका डिफरेंस साथ के साथ बताती जाती हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं WHO. देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे इनसाइड अंडरलाइन आ रहा है, दैट इज़ WHO हमारा एज एन एब्रिएशन यूज़ हो रहा है. उसका पर्टिकुलर टाइटल हमारा कंटेन क्या करेगा, कंटेन करेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है. जो टाइटल है वो आउटपुट पे हमें शो नहीं होता है. रिमेंबर दिस, बिकॉज आपने देखा होगा जब हमने पैराग्राफ में टाइटल प्रोवाइड किया था तो वो टाइटल शो नहीं हो रहा था. सो सिमिलरली टाइटल का यूज़ सिर्फ हमें प्रोवाइड कराना होता है उस कोड के अंदर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, ना कि हमें शो करानी होती है. नेक्स्ट, ब्लॉग कोड के अंदर हमने पर्टिकुलर वेबसाइट प्रोवाइड की है. सो आप यहाँ पे देख सकते हैं एट एन आउटपुट वो पर्टिकुलर वेबसाइट हमें शो नहीं हो रही है, बट हेयर हमारा जो उसका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है. सो दैट्स हाउ ये हमारे डिफरेंट टैग्स यहाँ पे यूज़ होते हैं. हेयर लुक एट द लास्ट लाइन जो हमने अपने HTML की बॉडी के अंदर कंटेन कराई है वो क्या थी. BDO DIR RTL. RTL हेयर इज़ राइट टू लेफ्ट. सो दैट इज़ यहाँ पे हमारा टेक्स्ट, यहाँ पे देखिए राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है. दैट इज़ दिस टेक्स्ट विल बी रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे सो इट इज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड बिकॉज हमने RTL प्रोवाइड किया है. लेट्स हैव अ लुक. अगर यहाँ पे हम LTR प्रोवाइड करें वेट. सी अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने LTR प्रोवाइड किया ये हमारा टैक्स रिटर्न हुआ है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो दैट्स हाउ हम क्रिएट करा सकते हैं अपना पर्टिकुलर वेब पेज का कोटेशंस प्रोवाइड करा सकते हैं. जो यूज़र की रीडिंग के लिए तो अंडरस्टैंड होंगे, बट जो हम वेब पेज पर्टिकुलर प्रोवाइड कराएंगे उस पर हमें मेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी. सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.